तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मैनुअल मोड। तो इसमें सेपरेट मैनुअल मोड, फुल फ्लेज्ड मैनुअल मोड दिया है, उससे आप बहुत ही अच्छे कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस। एंड कौन सा सेटिंग्स कहाँ पर कौन से सीन में रखना है वो डिटेल से आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं मैनुअल मोड से कैसे आप अच्छे पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं अपने पोको F1 पर। तो यहाँ पर अभी हम मैनुअल मोड पर है। देखिए क्योंकि ये लैंडस्केप इमेजेस है, आपको ऑटो रख सकते हैं ऑटो तो, लेकिन इससे कई बार क्या होता है फोकस हंट होता है एंड ठीक से आपको जहाँ पर शार्प फोकस चाहिए वहाँ पर शार्प फोकस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अराउंड 80 नंबर पर आपको रखना है। 80 टू 90 पर आप रखेंगे तो बिल्कुल आपको लैंडस्केप में अच्छे शार्प इमेजेस आएगा। एंड यहाँ पर पीक फंक्शन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि मैंने बताया 90 अगर आप नंबर रखेंगे तो बिल्कुल सारा का सारा लैंडस्केप बिल्कुल फोकस पर है। एंड अगर मैं कैप्चर करूँ तो एक बहुत ही बढ़िया इमेज मिलेगा। यहाँ पर आपको शटर स्पीड पर गौर करना है, देखिए क्योंकि यहाँ पर एक लैंडस्केप इमेज है, ज़्यादा पेड़ हिल नहीं रहे हैं। एंड इसके लिए क्या करना है, थोड़ा फास्टर शटर स्पीड आपको रखना है कॉम्पेंसेट 1/500 सेकेंड। तो कैप्चर करके देखें, देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक बढ़िया इमेज आपको मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारे क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स भी आपको अच्छी तरह से आना है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, फिर से ऑटो मोड पर जाना है एंड ऑटो मोड पर आपको HDR से ही कैप्चर करना पड़ता है। तो ढेर सारे क्लाउड्स हैं एंड अगर आप मैनुअल मोड पर ले रहे हैं क्लाउड्स कवर नहीं हो रहा है, तो आपको बिल्कुल HDR मोड की मदद से आप अगर कैप्चर करेंगे तो क्लाउड्स हो स्काई हो वो सारा चीज़ ब्लू स्काई वो सारा चीज़ अच्छी तरह से कैप्चर करके आपको एक बढ़िया इमेज ज़रूर देगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रख के अलग अलग मोड्स को यूज़ करके आप डिफरेंट सिचुएशंस सीन्स पर कैप्चर करना है, ना कि एक ही मोड रख के एक ही सेटिंग्स रख के कैप्चर बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फोकस का जो मैंने बताया, जैसे ही आप इस नंबर को चेंज करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर फोकस हो रहा है। ये रेड्स जो है वो बेसिकली आपको बताएगा कि कहाँ पर बिल्कुल शार्प है कहाँ पर फोकस हुआ है। तो वैसे आप यूटिलाइज़ करके कैप्चर करें। एंड यहाँ पर जो वाइट बैलेंस है आप इसको एक बार टैप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मोड्स हैं ये इतने यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कस्टम मोड दिया है बढ़िया दिया है Xiaomi ने। तो कस्टम मोड पर आप बिल्कुल एक्यूरेट कलर्स ला सकते हैं अपने सीन में। कई बार एक्यूरेट कलर्स नहीं होता है क्योंकि इंडोर सिचुएशन में जब कैप्चर करेंगे तो अलग अलग लाइट्स होता है, तो उसके वजह से क्या होता है फ़ोटोज़ में आपको ठीक से लाइटिंग इमेज नहीं मिलेगा, यानी कि एक्यूरेट कलर्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वार्मर इमेजेस मिलेगा, जैसे आप नंबर कम करेंगे वैसे कूलर इमेजेस मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कूल होता जा रहा है, जैसे नंबर बढ़ाएंगे तो आपको वार्मर इमेजेस मिलेगा। तो ऐसे आप चेंज करके बिल्कुल जो एक्यूरेट सीन पर है यहाँ लाइव में वैसे आपको कॉम्पेंसेट करके अच्छे कलर का इमेजेस आपको कैप्चर करना है। तो ऐसे प्रोफेशनल कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस को जो भी मैनुअल मोड है वो यूज़ करके। एंड यहाँ पर ISO है, ISO को आप हमेशा 100 या फिर ऑटो पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप अच्छी तरह से काम कर लेगा Xiaomi में। एंड आपको बिल्कुल कॉम्पेंसेट करना है शटर स्पीड। एंड कई बार क्या होता है देखिए अभी स्लो शटर स्पीड चाहिए आपको, तो आप बिल्कुल यहाँ पर नाइट सीन पर कैप्चर करने के लिए वेरी स्टेडीली आपको होल्ड करना है। एंड मान लीजिए 8 सेकेंड्स रखे हैं तो आपको मिनिमम ISO वैल्यू रखना है जैसे कि 100। इसको अगर बढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल 8 सेकेंड्स पर नहीं रख सकते हैं एंड जो भी मोमेंट्स है वो आपको ठीक से नहीं मिलेगा। तो इसके वजह से क्या करना है, शटर स्पीड एंड ISO को ऑलवेज कॉम्पेंसेट करके ही आपको इमेजेस कैप्चर करना है। तो यहाँ पर 1/1000 सेकेंड टू अप टू 32 सेकेंड्स दिया है Xiaomi ने, विच इज़ रियली ऑसम। आई होप कि थोड़ा 1000 था तो ये एटलीस्ट एक 4000-8000 सेकेंड्स रहता तो जल्दी से झट से फ्रीज कर सकते थे जो भी फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो। तो बिल्कुल ऐसे नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे पिक्चर्स ज़रूर कैप्चर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम अच्छा इंपॉर्टेंट वाला सेटिंग्स अभी दिखाऊँगा मैं। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, 3 स्ट्राइप्स जो है एक बार टैप करेंगे तो सेटिंग्स है। एंड यहाँ पर देखिए इस सेटिंग्स पर अगर आप जाएंगे तो ढेर सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करना है आपको। सबसे पहला है कि आप शो ग्रिड लाइंस है, यानी ग्रिड लाइंस को आप एनेबल कीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑफ रहेगा, मैंने ऑन किया हुआ है। तो ऑन करेंगे तो कॉम्पोजिशन आपको पता चलेगा इन ग्रिड लाइंस से कहाँ पर स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल टू द लेवल है, ये सारे चीज़ आप सेट करके बहुत ही प्रोफेशनल से कैप्चर कर सकते हैं। तो शो ग्रिड लाइंस ऑलवेज एनेबल करना आप कोई भी फ़ोन हो। एंड नेक्स्ट वन ड्यूअल कैमरा वाटरमार्क है, अगर आपको वाटरमार्क रखना है पोको फोन का तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज ऑलवेज डिसेबल भी कर सकते हैं, बाद में आप एडिट करके अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल अपना नाम नहीं रख सकते हैं तो इसलिए
अगर आपको चाहिए तो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ कर सकते हैं। ऐड टाइम स्टैम्प है, यानी कि कितने बजे लिया है, कौन से डेट पर उसको ऐड करना है, तो ये वाला एनेबल करना है। एंड यहाँ पर पॉकेट मोड है, मान लीजिए अगर पॉकेट में कुछ आपका जो भी सामान रखे हो पॉकेट में, उससे अगर बाय मिस्टेक ऑन होता है, टच से जेस्चर से ऑन हो जाएगा, तो उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो लॉक टच जेस्चर से तो पॉकेट मोड को ऑन कीजिएगा। एंड कैमरा साउंड, सेव लोकेशन इन्फो, लोकेशन सेव होगा। ये वाला देखिए, फोकस एंड शूट, यानी कि टैप टू फोकस एंड देन टैप अगेन टू टेक ए पिक्चर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने ऐसे टैप किया तो फोकस हुआ, तो उसके बाद फिर से टैप करूँ उसके ऊपर तो पिक्चर कैप्चर होगा। तो ऐसे अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं फीचर को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर स्कैन QR कोड्स, तो ऑब्वियसली ऑन रखना होगा। प्रेस एंड होल्ड शटर बटन, उससे क्या होगा कि बर्स्ट शॉट्स होगा या फिर फोकस होगा, वैसे आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए कैमरा फ्रेम, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, दो एस्पेक्ट रेशियोस है। एंड नेक्स्ट है पिक्चर क्वालिटी, हमेशा हाई रखना है आपको, स्टैंडर्ड या लो नहीं। अगर आप ज़्यादा फोटो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, तो लो रख के शेयर करेंगे तो कम MB साइज में आपको शेयर हो जाएगा। फिंगरप्रिंट शटर, जी हाँ देखिए इसको एनेबल करूँगा तो जैसे ही मैं अभी कैमरा पर हूँ, फिंगरप्रिंट से देखिए, फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट से ऐसे टैप करूँ तो बिल्कुल इमेज झट से कैप्चर हो चुका है। तो ऐसे आप फिंगरप्रिंट को यूज़ करके कैप्चर कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एनेबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम बटन फंक्शन, ये वाला वॉल्यूम बटन फंक्शन किसके लिए यूज़ करना है, जैसे कि अभी जूम करने के लिए यूज़ करना है तो बिल्कुल आप इस चीज़ को टैप करके जूम के लिए रख सकते हैं, तो उससे वॉल्यूम बटन के द्वारा आप जूम कर सकते हैं इमेजेस को। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एंटी बैंडिंग है, इसको 50 हर्ट्ज़ रहता है ऑलवेज, तो आप चेंज करके इसको 60 हर्ट्ज़ बनाइए, यानी जो भी फ्लिकरिंग होगा वो नहीं आएगा एंड बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। एंड इंपॉर्टेंट सबसे देखिए, ऑटो एक्सपोजर सेटिंग्स है, फ्रेम एवरेज, सेंटर वेट, स्पॉट मीटरिंग। अगर आप फ्लावर्स का कैप्चर कर रहे हैं तो स्पॉट मीटरिंग रखना है, अगर आप पर्सनस का स्ट्रीट फोटोग्राफी ले रहे हैं तो सेंटर वेट रखना है, एंड सारा का सारा लैंडस्केप का जो इमेजेस रहता है फ्रेम एवरेज रखना है। तो उससे क्या होता है, आपको डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट मीटरिंग होके अच्छा एक्सपोजर मिलेगा एंड बहुत ही ऑसम इमेजेस आपको मिलेंगे। तो ऐसे आप ध्यान में रखें, हमेशा चेंज करके आप पिक्चर्स को कैप्चर कीजिएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, तो इस चीज़ को क्या कीजिए आप, कॉन्ट्रास्ट को एक लो रखना है एंड सैचुरेशन को थोड़ा हाई रखेंगे, एंड यहाँ पर शार्पनेस को नॉर्मल रखेंगे या फिर आप हाई भी रख सकते हैं, उससे थोड़ा आपको बेटर इमेजेस मिलेगा। तो ये एक एडवांटेज है Xiaomi फोन्स का, ऐसे उन्होंने दिया है, चेंज करके आप बहुत ही अच्छे कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस को। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा इतने सारे सेटिंग्स है, होपफुली कुछ इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट मिला होगा कि कैसे पोको फोन को यूज़ करके बहुत ही ऑसम पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। मैं ढेर सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इस मोबाइल से ही कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इन जनरल मोबाइल फोटोग्राफी का रिलेटेड भी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।